हेलो गाइस, रुचि के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साग, सरसों का साग। तो इसे बनाने के लिए मैंने अपने बगीचे से साग को तोड़ा। अब मैं इसे धो करके अच्छी तरह से 2-3 बार, फिर हम इसे कट कर लेंगे। काटने के बाद मैंने 1 कटोरी से आधी कटोरी चावल लिए हुए हैं। अब हम इन्हें धो लेंगे 1 से 2 पानी में अच्छी तरह से। मैंने कुकर को गैस पे रखा है और इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाला है, तो हम अपने साग को इसमें डाल देंगे। अब जो हमने चावल धोए थे, हम उन्हें भी इसमें डाल देंगे। साथ में मैं इसमें गार्लिक, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने कट कर ली थी, उन्हें भी इसमें डाल दूंगी। और स्वाद अनुसार नमक थोड़ी सी, हल्दी 1 चम्मच के करीब, अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें और थोड़ा सा हींग भी डालें। हींग डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साग में बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 से 4 विसल आने तक पकाएंगे। साग हमारा बन चुका है, देखो कितना अच्छा साग बना हुआ है। हमारा साग एकदम मिक्स हो गया है। अगर आपको पतला लगे तो आप 1 चम्मच के करीब इसमें बेसन लगा के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो। जिससे कि हमारा साग गाढ़ा हो जाएगा और देखो हमारा साग कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब हम साग के लिए तड़का लगाएंगे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई को रखा, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाला, 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, कटा हुआ गार्लिक 1 चम्मच, अब हम इसमें अदरक डालेंगे कटा हुआ 1 चम्मच, मैंने 2 बड़े प्याज काट लिए हैं, हम उन्हें भी डाल देंगे और इसे भूरा होने तक पकाएंगे। इसमें हम हल्दी थोड़ी सी डालेंगे
थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमने नमक पहले भी साग में डाला था, पर हम थोड़ा सा तड़के के लिए भी डालेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल रही हूँ। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा प्याज भुन चुका है तो हम अब इसमें साग को डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। साग हमारा बनकर तैयार हो चुका है तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे इसमें घी डाल के, दही डाल के इसे खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।